जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपके पास तीन चार मिनट का टाइम है काइंडली सबको इन्फॉर्म कर दें और लाइव सेशन को ज्वाइन करें को मेरी आवाज आ रही है जी अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली आप मुझे रिस्पॉन्ड करें थैंक यू जरी रेफर शुक्रिया आपका बकर थैंक यू अरीज थैंक यू ठीक है तैमूर बेटा ठीक है थैंक यू ट्वेंटी एट और लाइव थर्टी जैसे ही हम फिफ्टी परसेंट को क्रॉस करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इन ये देखें ये अब आपके लिए एक ट्यूटोरियल यहाँ एक साथ में ये देखें ये रमिंटन यहाँ भी है आपके बल्कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमैन पड़ी है और रमिंटन जो है वो मेरे पास थी वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी थी दोबारा वापस ही नहीं आई बाकी आप लोगों के नोट्स जो हैं वो आप तक सबको नोट्स मिल गए हैं जी थर्टी सेवन लोग हो गए फोर्टी प्लस पे इंशाल्लाह फिफ्टी परसेंट हो जाएंगे तो विल स्टार्ट फोर्टी हो गए हैं जी हमारा मुझे कह रहा नाइस वॉइस डियर सही है चलिए जी तीन बज गए और स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं 45 फ़ाइव के करीब हो गए हैं। पहले जिस तरीके से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं मुझे दो मिनट और वेट करना चाहिए फ़ोर्टी सेवन पर जाके ये रुक गया फोर्टी फाइव और कम हो गए चलिए मेरा ख्याल है हम लोग शुरू करते हैं फिर लोग हमें ज्वाइन करते रहेंगे अरेज बेटा इन्फॉर्म कर दें मॉडरेटर्स जितने भी यहाँ पे हैं आगे इन्फॉर्म करें स्टूडेंट्स को कि वो सेशन को ज्वाइन करें ठीक है जी ओके तो ये जब सेशन आप लोग ज्वाइन करते हैं ना तो ये मेरे पास एक तरह से अटेंडेंस भी लग जाती है आप लोगों की लास्ट सेशन में हम 65 तक गए थे और इस सेशन में अभी वी आर एट 46 तो जितने लोग ज़्यादा ज्वाइन करेंगे वो कल को एक रिकॉर्ड भी रहेगा हमारे पास कि जी इतने स्टूडेंट्स ने ये जो है वो सेशन ज्वाइन किया ठीक है जी <coughs> चलें जी हम लोग शुरू करते हैं सेशन को और हमने लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया था वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर इमल्शन हमने जो है वो स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था इमल्शन का और हमने कुछ उसके फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हमने डिस्कस किया था तो अभी हम आ, कुछ फर्दर उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर वो है सिलेक्शन ऑफ़ द एमलसीफायर नंबर वन पे और नंबर बताया था कि जो सेकंड हमारे पास से इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो सिलेक्शन ऑफ़ द ऑयल फेज होता है बिकॉज ऑयल का इट्स जो है वो काफ़ी इम्पेक्ट होता है ऑन इमल्शन के ऊपर सो so, अभी हम लोग जो हैं इसी को ही फर्दर आगे ले चल रहे हैं मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा डिफरेंट टाइप्स के सर और उनकी डिटेल्स को मेरा ख्याल है नोट्स आ, आपने जो हैं आपको मिल गए होंगे सबको मैंने पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो अपडेट अपलोड कर दिए थे ग्रुप में वहाँ से आप लोग उसको कॉपी करवा सकते हैं या उसको अपने पास इन दी फॉर्म ऑफ सॉफ्ट जो है वो आप ले सकते हैं उसमें ये भी होगा कि क्वेश्चन अगर आप उसको आप उसको आप पढ़ें गो थ्रू करें वो बहुत नहायत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आती तो वो आपको फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं आयशा मैंने काफ़ी देर का इन्फॉर्म किया हुआ ग्रुप में आ, कल असल में कुछ प्रॉब्लम्स थी मुझे बाहर जाना पड़ गया तो आज माइड भी हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो मेरी कोशिश ये होगी कि जल्दी ख़त्म करूं लेकिन इट मे कंटिन्यू टिल फोर पीएम। सो कल की कमी भी इन जो है वो हम आज पूरी कर लेंगे अच्छा जी सो अब हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वो एचर भी कॉन्सेप्ट था तो अब मैं इसे आगे जा रहा हूँ आयनिक नेचर ऑफ सरफेटेंट जो है बेसिकली हमारे पास सरफेक्टेंट्स तीन कैटेगरी के होते हैं जब मैं अब सरफेक्टेंट की बात करूँगा तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि मैं इमल्सीफायर की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स भी होते हैं आयनिक के अंदर हमारे पास बेसिकली जनरली दो टाइप्स होती हैं एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं और दूसरे आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं तो जो आयनिक सरफेक्ट्रेंट्स होते हैं उन पर चार्जेज होते हैं और चार्जेस कुड भी पॉजिटिव एंड दे कुड भी नेगेटिव सो so, uh, केटाइनिक्स इन्हीं की बेसिस पे केटाइनिक सरफेक्ट्रेंट्स आते हैं और एनाइनिक सरफेक्टेंट्स आते हैं सो so, जनरली ये जो तीनों कैटेगरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसमें नॉन आइनिक हैं और आइनिक के अंदर कैटाइनिक और एनाइनिक हैं ये डिफरेंट पी के ऊपर काम करते हैं जैसे कि जो नॉन आइनिक सरफेक्टेंट्स हैं वो थ्री टू टेन की जो पी रेंज है मतलब एसिडिक से लेके बेसिक तक की जो पी है इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं जो कैटाइनिक सरफेक्टेंट हैं वो जनरली एच डी में इफेक्टिव होते हैं फ्राम थ्री टू सेवन न्यूट्रल रीजन तक और जो एनाइनिक सरफेक्टेंट हैं वो एड से ऊपर जाके ग्रेटर दैन एड जो है उसमें वो कारमद होते हैं या यूजफुल होते हैं ठीक है जी अब इसके अंदर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अगर हम एम फायर के अंदर जाए तो जनरली हम लोग अपने एम एल्सी फायरस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ये वो चीज़ें हैं जो पहले आप लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रेपरीशनस के अंदर पढ़ चुके हैं उसमें तो मैं जनरलसी गो थ्रू करूँगा इनके साथ तीन कैटेगरीज़ हैं एक नेचुरल एमल्सिफायर्र्स हैं फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं और सिंथेटिक एमल्सिफायर्स हैं नेचुरल एमल्सिफायर्स के अंदर हमारे पास वेजिटेबल सोर्स भी, भी आता है और एनिमल सोर्स भी आता है और कॉमनली आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा वेजिटेबल सोर्स के अंदर हमारे पास अकेशिया है ट्रगा है एलजी हैं कॉन्ड्रस जेंथेन और पैक्टिन है कॉन्ड्रस जो है ये बेसिकली जो हमारे पास कोरल रीफ्स होते हैं उस वहाँ से इसको लिया जाता है जैनथीन गम या पैक्टिन या केशिया ये सारे प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं तो इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अगर आपको याद हो तो आपने फार्मनोजी में इनके सोर्सेज भी पढ़े होंगे कि हम गम केशिया जो है वो हमें कहाँ से मिलता है या ट्रैक जो है हमें कहाँ से मिलता है ठीक है कीकर उर्दू में कहते हैं उसको और वहाँ से हमें ये प्लांट उस प्लांट से हमें ये गम्स जो हैं वो हमें मिलती हैं ये जनरली हाइड्रोफिलिक होते हैं तो जहाँ पे आपने ऐसा इमल्शन प्रिपेयर करना जिसकी base water है जिसकी बेस वाटर है मीन ऑयल इन वाटर तो वहाँ पे इसके बाद जनरली uh, ये सिस्टम को विस्कासटी भी इम्पार्ट करते हैं तो एक तरफ तो एमल्सिफायर हैं और दूसरी तरफ दे आर ऑल्सो इम्पार्टिंग विस्कॉसटी टू दी इमल्शन और इमल्शन के एक्वस फेज को विस्कासटी इम्पार्ट करेंगे बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं जहाँ तक एनिमल सोर्स की बात है तो इसके अंदर हमारे पास जेलटिन एग योग केसिन केसिन का आपको पता है कि एनिमल सॉरी प्रो, मिल्क प्रोटीन है ये और मिल्क एमल्सिफायर भी है वूल फैट कोलेस्ट्रॉल वैक्स एंड लेसिथिन ये कॉमन है हमारे पास एनिमल सोर्स के अंदर और ये जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि इसको औरल फार्मोलेशन के अंदर और टॉपिकल प्रेपरेशन में इसको हम लोग यूज़ करें लेकिन इन दोनों अब इस पूरे टॉपिक के अंदर जो नेचुरल एम्बल्सिफायर्ज हैं ये बात अपने जेहन में रखनी है कि क्योंकि ये नेचुरल है ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बनते हैं तो वेरिएशन डू एग्जिस्ट सिंथेटिक के अंदर तो एक ही प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ बनेगी एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा लेकिन फॉर द केस ऑफ uh, नेचुरल एम्बल्सिफायर्स क्योंकि ये नेचुरल हैं ये प्लांट uh, बनाता है एनिमल बनाता है और वेरिएशंस जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो इनमें वेरिएशन बैच टू बैच आती हैं तो अगर सिंथेटिक अगर आपके पास है या केशिया सिंथेटिक अकेशिया आपके पास है तो वो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो हो सकता है नेक्स्ट में कुछ आपको उसमें री चेक करना पड़े अपनी फॉर्मोलेशन को तो ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था सेकेंड कैटेगरी जो है हमारे पास आ जाती है इसमें हमारे पास जनरली जो ब्रॉडर टर्म है वो है कोलाइडल क्लेज ठीक है जी तो कोलाइडल क्लेज जो हैं जिसमें बेंटोनाइट है या वी गम है बेंटोनाइट का आपने नाम भी सुना पाया वी गम ये सारे के सारे जो हैं ये इन दी फॉर्म ऑफ पाउडर अवेलेबल होते हैं और ये इमल्सिफार के तौर पे काम करते हैं बेंटोनाइट इट्सल्फ जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट को बेंटोनाइट कहते हैं और वी गम जो है वो मैगनीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है तो ये बड़े अच्छे एक, एक एमल्सिफायज़ हैं और ये भी अगेन क्योंकि हमें पता है कि एमल्सीफायर्स जो हैं दे एब्ज़ॉर्ब ऑन द दर्फेस ऑफ एट द दर्फेस ऑफ ऑयल एंड वाटर जहाँ पर ऑयल और वाटर मिलता है वहाँ पर ये एब्जॉर्ब होते हैं और अपने आप को अलाइन करते हैं इनका वो फेज़ जो ऑयल लविंग होता है वो ऑयल की तरफ आ जाता है और वो फेज़ जो वाटर लविंग होता है वो वाटर की तरफ चला जाता है तो ये भी इनके अंदर एक टेंडेंसी पार्ट विस्कोसिटी टू तो द द्रैपरेशन और जनरली हम इनको इन कम्बिनेशन विद अदर सरफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दोनों किस्म के मलशंस जो हैं वो हम इन क्लेस को एक्सटर्नल फ़ेज़ के अंदर यूज़ करके तो हम लोग बना सकते हैं जनरली इनसे क्रीम्स लोशंस वग़ैरह जो हैं वो हम लोग बनाते हैं और आप ये कह सकते हैं कि इनको हम लोग यूज़ करके तो हम लोग जो हैं औरल प्रप्रेशन जो हैं वो बनाते हैं ठीक है जी आ फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी थी इसके बाद अच्छा जी क्वेश्चन आया जी फैसल कहते हैं सर किस टाइप की वेरिएशंस आती हैं सर वेरिएशंस बेटा जो हमारे पास नेचुरल एमलसीफायर्स हैं अब इसके अंदर क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो और उस ब्लड को आपने अगर एक बंदे को ब्लड डोनेट की है और आपके ब्लड की टेस्टिंग करने के बाद हमने उस बंदे के साथ उसकी क्रॉस मैचिंग कर ली है लेकिन इसके इसके बाद आपको हर जब भी आपने ब्लड डोनेट करना है आपको हमेशा क्रॉस मैचिंग करनी पड़ती है क्योंकि बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज़म के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारे पास कभी आर काउंट ज़्यादा हो जाता है कभी प्लेटेड काउंट ज़्यादा हो जाता है कभी ब्लड ऑक्सीजन ब्लड जो आपकी ऑक्सीजन है या ब्लड के अंदर जो बाकी प्रोटीन वगैरह हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है यही सेम चीजें जो हैं ये एनिमल के अंदर भी आती हैं और यही सेम चीजें जो प्लांट के अंदर ब्लड तो नहीं होता लेकिन प्लांट के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं तो वो वेरी करता है ठीक है तो जब मेटाबोलिज्म वेरी करता है तो उसकी वजह से जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो भी वेरी करता है ठीक हो गया जैसे हमारे रूटीन के अंदर हमारे पास हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो स्टूल है और यूरिन है तो अब हर बंदे के अंदर वेरिएशन आती रहती हैं यूरिन का कलर उसका डेंसिटी उसका उसकी सब चीज़ें बदलती रहती हैं तो सेम केस है ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के ठीक है तो इनकी चीज़ें भी ग्रेजुअली जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्श है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से ज़्यादा बनेंगे ताकि इन्वायरमेंट से बचाया जा सके अगर आपके पास जो है या इस केस में गम्स ज़्यादा बनेंगे क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है प्लांट का तो अगर इन्वामेंट इतनी हार्श नहीं है तो उनकी कंसनट्रेशन भी कम होगी उनकी कंसनट्रेशन में चीज़ें तो फर्क हो सकती हैं ठीक है थीके? तो ये इसमें बेटा चेंजेस आते हैं वेरिएशन आते हैं ठीक है थीके? फैसल अच्छा जी नेक्स्ट हम लोगों ने दो कैटेगरीज हम लोगों ने कर ली थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो है सिंथेटिक एजेंट्स जो तीन कैटेगरीज के होते हैं ये भी दीज आर आल्सो इफेक्टिव इन लोअरिंग दिन फेशियल टेंशन जनरली ये तीन कैटेगरीज़ के हमारे पास आते हैं दे प्रोजेस बोथ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोफेलिक भी होती हैं और हाइड्रोफोबिक भी होती हैं एनाइनिकटाइनिक और नॉन आयनिक में ये अवेलेबल हैं एनाइनिक में हमारे पास सोडियम डोडिसल सल्फेट की एग्जांपल है केटाइनिक में हमारे पास बैनकोलिम क्लोराइड की जो है वो एग्ज़ाम्पल है अगर आपको याद हो तो क्लोराइड हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये बैनलकोलिम क्लोराइड आपने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ इसका यूज़ आपने पढ़ा था इसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पारेंट्रल प्रपरीशन है वहाँ पेजा प्रजर्वेटिव भी इसको यूज़ करते हैं तो देर आर मल्टीपल इन्ग्रीडियंट्स जो कि हमारे पास एज अ वेटिंग एजेंट एज अ एजकॉस्टिन पार्ट भी कर रहे होते हैं और तीसरा ऐजा प्रजर्वेटिव भी यूज़ हो रहे होते हैं तो ये अल्टीमेटली बेहतर होता है आपकी प्रपरीशन के लिए कि आप एक ही चीज़ से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हासिल करते हैं नॉन आयनिक के अंदर भी हमारे पास पोली थाइलिन ग्लाइकोल या पीईजी जिसे आप कहते हैं तो उसका 400 ग्रेड कॉमनली अवेलेबल है वो हमें इस केस में मिलता है या एम्फोलिटिक इसमें लॉन्ग चेन अमाइनो ऐसे डायरेवेटिव आते हैं एम्फोलिटिक के अंदर दोनों चार्जेज होते हैं एक एंड पॉजिटिव होता दूसरा एंड जो है वो इस केस में नेगेटिव होता ठीक है जी सो so, ये आपका जो है सिंथेटिक uh, मल्सिफाइंग के अंदर पहली कैटेगरी थी दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है हैसटी एजेंट्स जो हमारे पास विस्कोसिटी एजेंट्स हैं उसमें हमारे पास कोलाइड्स हैं नेचुरली अक्रिंग गम्स पार्सली सिंथेटिक पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर कार्बोमर कार्बोपोल आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने यूज़ भी किया है जेल फेस बनाने के लिए और आजकल जो हैंड सैनिटाइजर जो है वो बन रहा है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है तो ये विस्कोसिटी इंपार्टिंग एजेंट्स हैं ये भी इट सेल्फ एम्बल्सिफाइंग के तौर पर हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं ठीक है जी दी एजेंट्स और हाइड्रोफेलिक नेचर डिज़ोल्व और डिस्पर्स डिज़ो इन वाटर टू गिवस्टि ये एज एन एमल्सिफायर स्टेबलाइजर के तौर पर ही एमलशन स्टेबलाइजर के तौर पर ये लोग जो हैं ये ये चीज़ें जो हैं वो है वो इस्तेमाल होती हैं ठीक है जी तो ये जनरली जब भी हमने आपसे मैंने आपसे डिस्कस किया ये बेसिकली एमल्सिंग एजेंट की डिफरेंट क्लासीफिकेशन थी कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं फिर मैं आगे मूव करूँगा हाउस इज ओपन क्वेश्चन जी कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को जनरली स्ट्रेंथ आज कम है फिफ्टी टू हैं आप लोग तो ये ज़रा काइंडली इसको लोगों को बताएं वो ताकि ज्वाइन करें मुझे आके ठीक है जी बल्कि अभी हम थोड़ा तो सा टाइम कैटर करते हैं मुझे पहले ख़्याल नहीं रहा आपकी एक अदद को लीग जो हैं अरसलान गदनफर उनके फ़ादर की डेथ हुई है कल तो आज उनका जनाजा भी था तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अलहम शरीफ और तीन दुआ पढ़ के फात खानी कर दें उनके लिए और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करें आगे और जन्नत फिर में जगह तापर ये हमारी दुआ है उनके लिए ठीक है जी तो आप दो मिनट ले लें ले ले और ये काइंडली फात खानी जो है वो कर लें ले जी बैक ऑन लाइव गया हूँ मैं हम लोग नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं अच्छा जी यहाँ तक जो हमारे पास था बेटा ये क्लासिफिकेशन वो है थी इसके अलावा और भी एक्सीपियस जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं उन एक्सीपियस के अंदर हमारे पास हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल्स हैं जिसमें स्टीराइल अल्कोहल है सीटाइल अल्कोहल है ग्रेसलाइल मोनोस्टीरेट हैं ये अल्कोहल सारी यूज़ होती हैं एज अ थिकनिंग एजेंट या स्टेबलाइजर के तौर पे जनरली ऑयल इन वाटर या जो लोशनज़ होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं या ऐसी प्रेपरेशन जो एक्सटर्नली यूज़ होनी है उनमें हम इनको यूज़ करते हैं इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल सीपियंट है वो कोलेस्ट्रॉल और इसके डेरेवेटिवज़ हैं इनको भी हम लोग वाटर इन ऑयल काइंड ऑफ इमल्शन को प्रमोट करने के लिए बनाने के लिए इनको हम लोग यूज़ करते हैं और जनरली एक्सटर्नली हम इनको यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल और उनके डेरिवेटिव्स को फिर हमारे पास कुछ प्रज़रवेटिव आ जाते हैं जो हम लोग अपनी मलशन में डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोसोल क्लोरोनॉल मरक्यूराइल प्रप्रेशन सेलिस एसिड एस्ट ऑफ पैरा एसिड सोडियम बेंजोएट एंड सोबिक एसिड तो ये चंद एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम लोग होते हैं फॉर एज़ प्रजर्वेटिव इन अवर प्रपरेशन ठीक है जी तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर वो देखनी होती है कि इतनी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं इतने सारी टाइप्स से मैंने आपको बताई हैं उसके पीछे कहानी ये है कि प्रिजर्वेटिव का हमें पता है कि वो जनरली दीज प्रस आर इंटरेक्टिव विद अदर सबस्टांस इन दी प्रपरेशन तो हमने वो प्रजर्वेटिव यूज़ करना होता है जो हमारी प्रेपरेशन के साथ जो है वो उसको आ, मतलब कंपेटबल हो इनकम्पेटल ना हो लो पी एच फाइव टू सिक्स एंड लो एक्वस कंसनट्रेशन जनरली इनहिबिट माइक्रोबल ग्रोथ एक और टेक्निक ये भी होती है कि हम लोग अगर अपनी पी एच जो है उसको कम कर देते हैं प्रेपरेशन की या अपनी प्रेपरेशन में एक्वस कंसनट्रेशन को कम कर देते हैं तो बी हमारे पास जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपनी विस्कोसिटी अपने पीएच को कम करेंगे या उसको एसडिप की तरफ लेके जाएंगे तो वो इट्सल्फ शायद यूज़ के काबिल नहीं रहेगी इसलिए मैक्सिमम फाइव तक हम इसको ले जा सकते हैं नीचे टू वर्ड जैसे डेक इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते अदरवाइज वो फिर क्रोसिव इफेक्ट उसके आना शुरू हो जाएंगे ठीक है जी तो ये हमारे पास अदर फंक्शनल सी के बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ वाटर सॉलेबल प्रिजरवेटिव भी हैं ये वाटर सॉलेबल प्रिजरवेटिव जो हैं हमारे पास आर यूज सो दैट दीज डोंट माइग्रेट फ्राम एक्वाफेस टू आइल फेज इन द इमल्शन एंड ड्यू टू द दफेक्ट एक्वाफेयर इज प्रॉन टू माइक्रोबिल कंटामिनेशन अच्छा अब जब मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो तब आती है जब हमारे पास जो एक्वस फेज़ है अगर वो इमल्शन के अंदर ज़्यादा है तो देर कि आपका इमल्शन जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर हम लोग ऐसे प्रज़र्वेटिव यूज़ करते हैं जो एक्वस सॉलेबल होते हैं और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव जो हैं वो ना मूव करें फ्रॉम एक्वस फेज़ टू दी ऑयल फेज़ तो जब प्रिजर्वेटिव एक्वस फेज में रहेगा तो जब भी कोई कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे तो ये प्रिजर्वेटिव जो है एक्वस फेज के अंदर रहते हुए उस कंटेमिनेशन को रोकने की कोशिश करेगा तो इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है वो आ रही है एस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रॉक्सिक बैंजोक एसिड ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं जो कि वाटर सॉलेबल भी हैं और वाटर फेज के अंदर इनको यूज़ किया जाता है ताकि ये माइग्रेट ना करें और वाटर के अंदर जो कंटेमिनेशन हो रही है उसको रोक सकें सो सच प्रिजर्वेटिविच हैिटी और ये एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको बता दी इसके बाद जो कुछ और फंक्शन एक्सपीपियस में हमारे पास चीज़ें आती हैं उसमें एक और चीज़ है वो है आपकी एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स का आप लोगों को पता है कि इमल्शन uh, के अंदर ऑक्सीजन होती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है आमतौर पर ये डिज़ोल्व एयर होती है आपके वाटर के अंदर ठीक है या ये डिजॉर्व एयर होती है जब आप इमलशन को अब विगरसली शेक कर रहे होते हैं ट्रिचुलेट कर रहे होते हैं तब एयर इनकॉपरेट होती है आपने देखा होगा कि वाइल्ड ट्रिचुलेटिंग इमल्शन उसमें ना फोमी अपेयरेंस आती है अपॉन एडिशन ऑफ सरफेक्ट और आपको पता है कि जब सरफेक्टन डालते हैं तो फोम क्यों बनता है ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ फिर भी आपको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि एयर और वाटर या एयर और आपके सब्सटेंस जो बना रहे हो प्रोडक्ट इसके दरमियान में जो इंटरफेशियल टेंशन है सरफेक्टर उसको भी रिड्यूस कर देते हैं तो फोम बनता है जब एयर इंट्रैप होती है उसके अंदर तो फोम बनता है तो बेसिकली जब एयर इंट्रैप होती है तो ऑक्सीजन भी इंट्रैप होती है जो जब भी ऑक्सीजन इंट्रैप होगी तो ऐसे सब्सटांसिस हमारे फार्मूलेशन के अंदर हो सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएँ तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जनरली ये एंटी ऑक्सीडेंट्स ये हम लोग क्वालिटी के साथ इनकी क्वालिटी देखते हैं कि ये कंपेटेबल हों ये टॉक्सिक ना हो इफेक्टिव हों ठीक है गया या इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टीरिक एसिड वगैरह हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं एज एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ ठीक है जी अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि मैं कम्प्लीट करना चाहूँगा वो है प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन आप लोग एम्बलशन अक्सर बेशतर अपनी लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं और हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं हम लोग देख लेते हैं जी को हमारे पास ऑयल फेज ज़्यादा है या वाटर फेज ज्यादा है आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों टाइप के फेजेस को सेपरेट कर लेते हैं ऑयल सॉलीबल चीज़ों को वाटर पानी में डाल ऑयल में डाल देते हैं और वाटर सॉलेबल चीज़ों को हम लोग वाटर में ऐड कर देते हैं जब ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो दोनों के अंदर इंडिविजुअली हम लोग सरफेक्ट्रेंट को ऐड करके टेचूरेट करते हैं और फिर इन दोनों को मिक्स करके टिचूरेशन करते हैं ये हमारा कॉमन मैथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर से ही बनता है लेकिन uh, जनरली एक साइंटिस्ट था ग्रिफन नाम था एक मेथड uh, दिया था प्रपेशन ऑफ इमल्शन का वो कहता था जी कि आप इंग्रेडिएंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर सॉलेबलिटीज़ ग्रुप वाइज डिवाइड कर लें यही काम हम भी करते हैं कि हम वाटर सॉलेबल को अलग कर लेते हैं और ऑयल सॉलेबल को अलग करें फिर इसका जो है पॉइंट वो यही है सेकंड है कि हम डिटरमिन करते हैं कि हमें कितने एच का एमल्सीफायर जो है वो रिक्वायर है इस केस के अंदर के इमल्शन uh, बनाने के लिए तो हमें क्योंकि हमारे पास फॉर्मोलेशन बनी बनाई होती है तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती लेकिन कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको फॉर्मूलेशन बनी भी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे आपको तीन चार सेमेस्टर जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी पहला तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आप लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ी थी हमेशा मैक्सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको हवाला देता हूँ रेफरेंस देता हूँ कि जी वहाँ पर आपने एच कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा था एक तो वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा नंबर वन नंबर टू आपको अवेलेबल क्या क्या सरफेक्टेंट्स हैं आपके पास इंडस्ट्री में आपको उनकी लिस्ट चाहिए होगी नंबर थ्री आपको उन सरफेक्ट्रेंट्स की नेचर का पता होना चाहिए अब ये कैसे पता लगेगा ये चीज़ें याद तो नहीं रहती हाँ कुछ सरफेक्टेंस कॉमनली यूज़ होते हैं वो याद रहते हैं और जो कॉमनली यूज नहीं होते उनके लिए आपके पास गाइड बुक्स हैं आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास इंटरनेट है यू कैन गो यू यू गो एंड कैन सर्च कि जी किस सरफेक्टर की क्या नेचर है सो तो इन इन शॉर्ट हमें हर सरफेक्ट्रेंट की नेचर का और उसकी एच एल बी वैल्यू का पता होना चाहिए एक साइड पे और दूसरे तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हम जो इस वक्त बना रहे हैं अपना कितनी एच एल बी पे स्टेबल होगा ठीक है जी तो यही वो कहता है ग्रिफन भी थर्ड मेथड है जी ब्लेंड करेंगे आप लो एच एल बी और हाई एच एल बी वैल्यू के एमल्सिफायर को ताकि एक ऑप्टिमम एमल्सिफायर आपको मिल सके तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आपके पास वो एमल्सीफायर प्रेजेंट है जो इंडिविजुअल यूज़ होता है या आपकी प्रेपरेशन को ऐसी एच एल बी आ गई है कोई उसको बनाने के लिए कि उसको एक एमल्सीफायर uh, इनफ नहीं है उसके लिए आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो ये तब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी यूज टेन टू थर्टी परसेंट ऑफ ऑयल फेस कंसनट्रेशन सेटिसफेक्ट्री प्रोडक्ट एमल्सीफायर अब आम तौर पे एमल्सिफायर जो हम लोग यूज़ करते हैं अगर आपका जो ऑयल फेज़ है वो टेन टू थर्टी परसेंट है अब इससे हमें दो चीज़ें सामने आती हैं पहली चीज़ ये सामने आती है कि ऑयल फेज टेन टू थर्टी परसेंट का मतलब ये है कि इस केस में जो इमल्शन बन रहा है वो ऑयल इन वाटर है बिकॉज रिमेनिंग सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट वाटर है इसके अंदर सो so, हमने ऑयल को वाटर के अंदर इंकॉपरेट करना है सो वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ एन एमल्सिफायर जो कि ऑयल को एमल्सिफाई करे वाटर के अंदर तो जनरली ये कहा गया है कि टोटल कंसेंट्रेशन है आपके ऑयल फेज की ठीक उसका टेन टू थर्टी परसेंट आपका कम अज कम एमल्सिफायर होना चाहिए अगर टेन एम है आपके पास ऑयल फेज तो वन एम से थर्टी थ्री एम के दरमियान एमल्सिफायर उसके अंदर होगा तो आपका इमल्शन जो है वो ऑप्टिमम बनेगा ये जनरल सा एक उसका फॉर्मूला एमलसीफा स्टेबल केमिकल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए केमिकल नॉन टॉक्सिक हो लो कंसनट्रेशन uh, में यूज़ हो कलर इम्पार्ट ना करता हो ऑर्डर टेस्ट वगैरह इम्पार्ट ना करता हो रूम टेम्परेचर पर क्वालिशेंस जनरेट ना करे और uh, जो एक नॉर्मल फ्रीज थॉइंग होती है फ्रीज थॉइंग आपको पता है नॉर्मली मतलब रूम टेम्परेचर से आपने फ्रिज में रखती है और फिर से आपने रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं या रूम टेम्परेचर पे गर्मी ज़्यादा पड़ी तो जो एक बीस से लेके तो फोर्टी के दरमियान टेम्परेचर इसमें वो ख़राब नहीं होना चाहिए ये रूटीनली टेम्परेचर होता है इसके अलावा जो है मैकेनिकल एनर्जी कम रिक्वायर हो उसको बनाने के लिए ये नहीं है कि आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए एमल्सफ़ाई नहीं हो रहा आपको बहुत मोटरें मशीनें चाहिए तो ऐसी भी एमलसिफा यूज़ नहीं होना चाहिए इसके अलावा डिजॉल्व ऑयल फेय सूटेबल इंग्रेडिएंट देन एमलफा इन द ऑयल दा यहाँ तक तो एमलफा की बात थी अब जो फोर्थ है वो ये कहता है कि जितने भी ऑयल फेज के सब्सटेंसेस हैं उनको ऑयल में सॉलेबल कर लें हीट मतलब अगर नेसेसरी है तो आप उसको फाइव टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड अबव हाईएस्ट मेल्टिंग इंग्रेडिएंट आप उसको हीट कर सकते हैं अब इस लाइन का मतलब ये है कि से आपने चार चीज़ें ऑयल फेज में ऐड की थी और उसके अंदर हमारे पास ऑयल लिक्विड्स भी थे और ऑयली सेमी सॉलिड्स भी थे हमारे पास लिपिड सेमी सॉलिड्स भी थे तो जो चीज़ जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है उससे फाइव टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तक आप हीट कर सकते हैं वो ख़राब नहीं होगा तो जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी किसी मलिशन को प्रिपेयर करने के लिए ऑयल फ़ेज़ के लिए वो सेवेंटी टू एटी डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ठीक है जी यही काम आपने वाटर के लिए भी करना है जो भी आपके सॉल्ट्स एसिड्स एक्सीपिय जो वाटर सॉलेबल हैं वो सारे आपने वाटर में डाल देने ठीक है एक्वस फेज को हम लोग ऑयल फेज से ज़्यादा हीट कर सकते हैं थ्री टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा आप हीट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वाटर विल बॉयल एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो अगर वहाँ पर सेवन टू एटी डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा गो तिल 75 है गो टिल सेवेंटी फाइव टू एटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ये सेफ़ है उसकेस के लिए जब ये आपके आप पास दोनों सोलूशन प्रिपेयर हो गए अब आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एजिटेशन और टिचूरेशन और अल्टीमेटली आपका जो इमल्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सॉलेबल करनी है वाटर में तो पहले से सॉल्व करके रखें इस पॉइंट पर सॉल्व करने करेंगे तो इमल्शन जो है इसके क्रैकिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे जब आपका इमल्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाए तो फिर उसको फॉर्मूलेशन को आप बाद में फिर एग्जामिन करेंगे फॉर सूटेबल uh, टेस्टिंग के साथ उसको एग्जामिन करेंगे एंड अल्टीमेटली अगर आपका इमल्शन वो ठीक होगा तो वो फिर मार्केट में जा सकता है जी क्वेश्चन आ गया अगर दो इंग्रेडिएंट्स के मेल्टिंग पॉइंट में 50 का डिफरेंस हो तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है उसमें चेंजेस नहीं आएंगी खदीजा बेटा जनरली इतना डिफरेंस नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो आम तौर पे अल्कोहल जो है वो एट्टी सेवेंटी सेवेंटी फाइव डिग्री पे बॉईल कर जाती है ठीक है और होता कि एक चीज़ जो है वो फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रही है और दूसरी जो है वन फिफ्टी पर जा मेल्ट हो रही है हम अपनी प्रप्रेशन में वैसे ही ऐसी चीज़ ऐड नहीं करते क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो एक चीज़ मेल्टेड फॉर्म में रहेगी और दूसरी चीज़ जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी तो जितना मर्जी अच्छा इमल्शन आपने बनाया आधा इमल्शन मेल्टेड फॉर्म में होगा लिक्विड होगा और आधा इमल्शन सेमी सॉलिड होगा तो वी डोंट रिक्वायर सच पर इसलिए हम लोग पहले ही जो हम लोग ऑयल फेज में चीज़ें यूज़ करते हैं वो करीब करीब ही होते हैं दूसरे के ठीक है तो आमतौर पर फिफ्टी का डिफरेंस नहीं आता और अगर फिर भी ये डिफरेंस आ रहा है कहीं पर तो इन दैट केस हमारा इमल्शन जो है वो स्टेबल नहीं है फिर उस स्टेबल वो बन ही नहीं सकेगा ठीक है जी अच्छा जी अब ये तो जो मैंने आपको बताया ये ग्रेफन का मेथड था जिसने फर्स्ट टाइम दिया था लेकिन रेमिंगटन जो है वो फर्दर फोर मेथड्स में डिवाइड करती है आपके इमल्शन प्रेपरेशन को पहला है एडिशन ऑफ इंटरनल फेज टू एक्सटर्नल फेज़ ठीक तो है जी पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको फिर हम आगे जाएंगे दूसरा है एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फ़ेज टू तो इंटरनल फेज इसको ड्राइगम मैथड भी कहते हैं थर्ड है मिक्सिंग ऑफ बोथ फेजेस आफ्टर हीटिंग और फोर्थ uh, मेथड है अल्टरनेट एडिशन ऑफ टू फेजेस तो मैं रिपीट नहीं करूँगा सारा सिर्फ आपको मैं बेसिक इसका डिफरेंस बता देता हूँ अच्छे जी क्वेश्चन सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें जो आपने बताया कि ब्लेंड लो एंड हाई वैल्यू एमल्सीफायर बेटा डिपेंडिंग अपॉन दी एच एल बी वैल्यू ठीक है Uh, कुछ ऐसे मल्सिफायर हैं जिसका एच एल बी वैल्यू लो होती है लो से मुराद है क्लोजर टू ज़ीरो और कुछ ऐसे मल्सिफायर हैं जिनका हाई एच एल बी वैल्यू होती है इसका मतलब होता है अवे फ्राम ज़ीरो अब हमें यह पता है कि जो क्लोज़ टू ज़ीरो हैं वो लिपिड लविंग है और जो अवे फ्राम ज़ीरो हैं जनरली दस के बाद टेन के बाद वो वाटर लविंग है सम टाइम हमें हमारे पास ऐसा फ़ेज़ आ जाता है कि हमें वाटर लविंग भी चाहिए होता है और ऑयल लविंग भी चाहिए होता है. बस जो टेन अलेवन या एट नाइन जो कि दोनों चीज़ें होती हैं वो इस तरह का अच्छा नहीं होता कि वो यूज़ कर सकें तो फिर हम लोग दो ऐसे चीज़ें ले लेते हैं कि एक बहुत लेपेड सॉलेबल और एक बहुत वाटर सॉलेबल इनको को लेके फिर हम मिक्स करके बना लेते हैं ठीक है तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा इसके लिए हमें फिर वो पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट एच एल बी ऑफ आवर इवालशन तो वो आप लोग बेसिकली तो अगर आप अकॉर्डिंग टू कोर्स देखें तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं लेकिन कभी मौका मिला तो मैं रिपीट जरूर कर दूंगा आपके सामने ठीक है जी तो फोर मैथडे पहला मैथड है कि एडिशन ऑफ इंटरनल फेज टू एक्सटर्नल फेज चाहे वाटर इन ऑयल इमल्शन है या ऑयल इन वाटर इमल्शन है हमने देखना है हमारा एक्सटर्नल फेज कौन सा है तो आप एक्सटर्नल फेज अलहदा प्रिपेयर कर लेते हो या अलहदा चीजें ऐड कर लेते हो इंटरनल फेज अलहदा कर लेते हो अब आपने इंटरनल फेज को ग्रेजुअली एक्सटर्नल फेज में ऐड करना दी है बाय द हेल्प ऑफ टिच्य ये एक मेथड है ठीक है बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं यहां पे उसने एक्सप्लेन कर दी है, कि जी, ये वहां पे है जहां पे एक्सटर्नल फेज वाटर है और इंटरनल फेज ऑयल है मींस जब हम लोग इस मेथड की बात करते हैं जहां पे इंटरनल फेज जो है वो एक्सटर्नल फेज में ऐड हो रहा है तो जनरली जो इमल्शन बन रहा है इस कैटेगरी में वो ऑयल इन वाटर बन रहा है ठीक है जी बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा वो आप लोग इसको देख सकते हैं एजिटेशन यहाँ पर भी होगी सेकेंड मैथड जो है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फेज टू इंटरनल फेज द ड्राई गम मैथड ड्राई गम मैथड वेट गम मैथड आपने बॉटल फ्रॉप मैथड ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं मैं फर्दर से तरह और डिटेल में जा रहा हूँ अब यहां पे वो कहता है कि जी जनरली जब हमें वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना हो ठीक है ड्यू टू दिपॉन्डेंस ऑफ द ऑयल फेज ठीक है प्रिपोंडेंस कहते हैं ज्यादा इंक्रीज को

ऑयल के अंदर हम बनता इमल्शन इससे भी हमारे पास इट ऑल डिपेंड्स कि वाटर इन ऑयल भी बन सकता है और ऑयल इन वाटर भी बन सकता है लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हम लोग एक्सटर्नल फ़ेज़ को इंटरनल फ़ेज़ में क्यों बनाते हैं क्यों डालते हैं से आप लोग इमल्शन बना रहे हैं ऑयल इन वाटर अब इस ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आप पहले ऑयल ले लेते हैं और जो भी गम है जिसको आप एज एन एमल्सिफायर यूज़ कर रहे हैं उसको ऑयल में ट्रेचूरेट करते हैं अच्छे तरीके से अब आपको ये पता है कि जो गम है वो वाटर लविंग होती है तो जैसे ही उस गम को आप ऐड करेंगे अपने इमल्शन ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो उसका एक प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा अब ये हमें नज़र आएगा कि ये शायद वाटर इन ऑयल इमल्शन बन गया क्योंकि इसमें वाटर तो भी डाले नहीं हमने हमने सिर्फ इसके अंदर ऑयल डाला इस फेज़ में जब हमने इंटरनल फेज़ बना ली है अब जब ये अच्छी तरीके से बेस और साथ में ऑयल मिक्स हो जाता है या ये मलसीफाई जब ऑयल मिक्स हो जाता है फिर आप ग्रेजुअली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते हो जब पहली क्वांटिटी ऐड करते हो तो अब तीनों चीज़ें आ गई वाटर भी आ गया ऑयल भी आ गया मल्सिफायर भी आ गया लेकिन क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है तो अभी आपको शो ये होगा कि ये वाटर ऑयल इमल्शन है लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे और डिचुरेशन करते जाएंगे साथ साथ ये फिर चेंज करेगा फेज इन्वर्जन होगी और ऑयल इन वाटर जो है ये बन जाएगा स्केल स्केल पे यूज़ इसको नहीं करते ये लैब स्केल तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं और क्योंकि बार बार इसमें पानी डालना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग को जो पहला मैथ मैंने ग्रिफन का बताया था कि दोनों फेज अलग करके फिर हम मिक्स करते हैं वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है लेकिन हाँ ग्रिफन के मैथ में ट्यूचुलेशन आपको ज़्यादा चाहिए होती है ठीक है जी तो जनरली यहाँ पर उसका उसने रेशो बताइया कि जी फोर रेशो टू रेशो वन इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है जी प्रोवाइड मैक्सिमम शेयरिंग एक्शन ऑन ऑयल ग्लोब्यूल्स तो यहाँ पे स्टार्ट में फोर जो है वो ऑयल है टू जो है वो वाटर है और वन जो है वो गम है आपका मीन फोर एम ऑयल टू एम वाटर एंड वन एम एल आपकी एमल्सिफायर अगर हो तो ये फिर हमारे पास बेस्ट बनता है और इसकी एग्जांपल जो आ रही है हमारे पास वो वाटर इसकी एग्जांपल आ रही है मिनरल ऑयल इमल्शन की ठीक है जी आपको पता है मिनरल ऑयल इमल्शन जो है वो लग्जरेटिव के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड कैटेगरी जो है वो मिक्सिंग बोथ फेजिज़ आफ्टर हीटिंग ये वही ग्रिफन का मेथड है कि तमाम ऑयल सॉलेबल चीज़ें तमाम वाटर सॉलेबल चीज़ें अगर हीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो सेवेंटी टू एटी डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों को हीट करके करकेदा से ऑयल को अलहदा से वाटर को अलहदा से मिक्स करके तो बाद में दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं ये वो एक्जैक्टली सेम मेथड है और लास्ट जो मेथड हमारे पास आ रहा है वो है ऑल्टरनेटिव एडिशन ऑफ टू फेजिज़ इसमें अगेन अब दोनों फेजेस इसको अलहदा कर लेते हो ऑयल फेज अलीहदा वाटर फेज अलीहदा लेकिन अब आल्टरनेटिवली ऐड करते हो आपने वाटर फेज अलहदा किया था ऑयल फेज अलहदा किया था तीनों को कितने चीज़ें मिक्स कर लीं अब आप फोर एग्जांपल 50 50 एम थे दोनों आपके पास मॉट्रिन फैसले ले, ले लेंगे फ़ाइव एम वाटर वाला डालेंगे फ़ाइव एम डालेंगे ऑयल वाल वाला ट्रिच्यूरेट करेंगे फिर फाइवल वाटर वाला डालेंगे फिर टिचुटेट करेंगे फिर फाइवल ऑयल वाल वाला डाल देंगे इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली डालते लिए डालते आप दोनों की क्वांटिटी पूरी कर देंगे तो ये आपका है ऑल्टरनेट एडिशन ऑफ टू फेजेस टू दी एमसीफाइंग एजेंट सर फोर ऑयल टू वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन एज पॉइंट इस पॉइंट की समझ नहीं आई बेटा मैंने ऊपर बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ऑयल इन वाटर ही बने ठीक है वो मैंने एक्सप्लेन ये किया था जनरली हम इसे ऑयल इन वाटर भी बना सकते हैं वाटर इन ऑयल भी बना सकते हैं तो जो मिनरल ऑयल इमल्शन है हमारे पास मैंने उसकी एग्जाम्पल दी है कि जो बेस्ट इमल्शन बनता है इस केस में जब आप ये मैथड यूज़ करते हो फोर रेशो टू रेशो वन मीन्स फोर आपका ऑयल होगा टू आपका वाटर होगा और वन आपका होगा गम होगी ठीक है उसको यूज़ करके हमारे पास बेस्ट सूटेबल इमल्शन आता है दो ये जो कैटेगरी होगी ये वाटर इन ऑयल की होगी क्योंकि ऑयल ज़्यादा है इसके अंदर ठीक है जी ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको फजीला ठीक है जी इसके अलावा कुछ मैथड्स जो हैं वो लैकमैन के अंदर दिए हुए हैं पेज नंबर सेवन हंड्रेड पे वो अगर आपके पास लैकमैन की कॉपी हो तो बल्कि फोर्थ एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं मैं अभी आपके सामने उसको ओपन भी करता हूँ नाम ले देता हूँ तो आप उसको पढ़ लेंगे ये एडिशन जो है मेरे पास ये दूसरा आ गया है ठहरे में भी आपके लिए इसको सर्च करता हूँ फार्मास पांच सौ दो बस ठीक है आपके पास जो है हम यही करें यही है। फज़ीला कह रही है सर मैंने पूछा है कि वाटर फोर होगा नहीं बेटा इस केस में इंटरनल फेज़ है वो फोर होगा ठीक है जी रुखसा कहती है सर ये वाटर इन ऑयल की बात की है जी एग्जैक्टली exactly, जो मैंने बताया वाटर इन ऑयल की बात की फोर पार्ट्स ऑफ ऑयल टू पार्ट्स ऑफ वाटर वन पार्ट्स ऑफ गम एग्जैक्टली हफ्सा जी सर ऑयल वाटर इमल्शन का बता रहे हैं देखो बेटा दो चीज़ें हैं दोनों हैं जो आपका मेथड नंबर टू है उससे दोनों इमलशन बनते हैं ऑयल इन वाटर भी बनता है वाटर इन ऑयल भी बनता है ठीक है लेकिन इसमें फ़ेज़ इन्वर्जन से काम होता है जो भी इंटरनल फेज़ होगा पहले गम उसमें मिक्स करेंगे तो फील ये होगा कि वो इंटरनल फेज़ नहीं है वो एक्सटर्नल फ़ेज़ है लेकिन बाद में जब उसमें एक्सटर्नल फेज जलता जाएगा तो वो इन्वर्ट होके तो जो पहले इंटरनल एक्सटर्नल फ़ेज़ था वो अब इंटरनल बन जाएगा ठीक है वो एक मैंने जनरल मैथड एक्सप्लेन किया था जो फोर रेशो टू रेशो वन है उसमें जो भी होगा एक्सटर्नल फ़ेज़ फ़ोर होगा इंटरनल फेज मीनस एक्सटर्नल फ़ेज़ डबल होगा इंटरनल फेज़ के ठीक है वो इस तरीके से है। अच्छा जी फजीला नबीला नहीं फजीला ये प्राइमरी इमरशन की रेशो की बिल्कुल ठीक हो गया ये भी नबीला ठीक कह रही ठीक है जी पास जो है बस मैं आपके इन 10 मिनट और लूँगा फिर हम इसको ख़त्म करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आए जी प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के अंदर जनरली हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा uh, जो इमल्शन है वो स्टेबल है या नहीं है स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास टम्परेचर सेंसिटिविटी भी आती है हमारे पास विस्कोसिटी की डिटर्मिनेशन भी आती है हमारे पास इंटरनल फेज का पार्टिकल साइज कितना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ऑयल ग्लोब्यूल इंटरनल फेज के अंदर आपको नजर आएंगे अक्सर आप एमलशन बना के नहीं बेटा इसमें ऑयल ग्लोब्यूल वो ऑयल ग्लोब्यूल एमल्सिफाई नहीं हुए अभी तो आपने ताज ताज़ी ताज़ी एजिटेशन की है इस वजह से वो सेपरेट है लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये ऑयल ग मिलना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आपसे मिलेंगे तो ये एडी बना देंगे जब ये एडी बनाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ एडी जैसे जैसे बढ़ेगी फ़ेज़ इन इन्वर्जन हो जाएगी ठीक है तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन को यहाँ पर देखना तो यहाँ वो कहता है जी टाइप ऑफ इमल्शन डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट ऑन फेज़ टू वॉल्यूम रेशो द हायर द फ्रैक्शन ऑफ वन फेज द ग्रेटर द लाइकली टू फॉर्म इट एज एक्सटर्नल फेज़ हमें ये पता है कि एक फेज़ की क्वांटिटी जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उसके एक्सटर्नल फेज बनने के चांसेस बढ़ते जाते हैं हाउएवर इट इज़ पॉसिबल फॉर इंटरनल फेज ऑफ एन इमल्शन फेज टू ऑक्यूपाई अप टू सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द टोटल इमल्शन एंड स्टिल रिमेन स्टेबल अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब इस पर आप लोग मेरे से लड़ाई भी करेंगे सर ये आप अब आपने तो पूरी कहानी बदल दी है आज तक हमने इमल्शन के बारे में ये पढ़ा है कि जी जो इंटरनल फेज है वो फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता यही पढ़ा आप लोगों ने यहाँ पे वो बुक में लिखता है कि जी इंटरनल फेज कुड ऑक्यूपाई एज मच एज सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इमल्शन अच्छा अब हमारे नज़दीक एक्सटर्नल फेज वो होता है जिसकी क्वांटिटी इमल्शन में ज़्यादा हो जाए ठीक है आज तक हमने ये पढ़ा है अब यहाँ आगे वो कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है ख़राब हो गया है तो इन शॉर्ट मैं को समअप करूंगा बिकॉज यहाँ पर भी हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते लेकिन मैं आपके लिए समअप करता हूँ उसको कि हम लोग ऑयल इन वाटर इमल्शन बना रहे थे हमने वो एमल्सिफायर यूज़ किया जो ऑयल इन वाटर इमल्शन ही बनाता है अब आप क्वांटिटी ऑफ ऑयल बढ़ाते जा रहे हैं और आप 74 परसेंट तक ले गए हैं उसको मीन 74 परसेंट ऑयल हो गया और 26 परसेंट वाटर हो गया आपको साथ ही साथ कंसनट्रेसन ऑफ़ दी एमल्सिफायर को भी बढ़ाना पड़ेगा कि वो बांध के रखेगी अब जब हम ये कह रहे हैं कि 74 परसेंट तक हम लोग जा सकते हैं इट डजेंट मीन कि 74 परसेंट तक हमने जाना है ठीक है ये सम केसेस में ये होता है कि आपको क्वांटिटी ऑफ़ ऑयल को या क्वान्टी ऑफ टनलफेयर को बढ़ाना पड़ता है ड्यू टू सर्टन इन अप्रोप्रिएट रीजन तो ये देखा गया है कि 74 परसेंट तक बनाया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट एमल्सिफायर मैं ये नहीं कह रहा कि इतना बनाना है ठीक है जनरली फोर्टी परसेंट तक हम लोग बनाते हैं फोर्टी परसेंट इंटरनल फेज होता है सिक्सटी परसेंट फेज होता है लेकिन अगर किसी का बहुत ही कोई मसला है कोई आ गया कि आपको क्वानिटी बढ़ानी है तो यू कैन गो एज यू मे से एज आप इंक्रीज कर सकते हैं टू सेवेंटी फोर परसेंट तक ठीक है और देखा गया कि मल्शन स्टेबल रहा है ठीक तो इनकीज विस्ट ऑफ इमल्शन मल्शन ये भी ऑफ इमल्शन को बढ़ाता है इंक्रीज फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ इंटरनल फेज डिक्रीज पार्टिकल साइज़ और इंटरनल फेयर इंक्रीज मल्फर एजेंट एडिशन ऑफ़ हाइडोफोबिक मल्फंग एजेंट टू ऑयल फेज ऑफ इमल्शन तो ये पाँच पैरामीटर्स हैं जो स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन को बढ़ाते हैं पहला बेटा खतीजा कोई एग्जांपल नहीं है इसके अंदर अगर मैं आप ये कहूँ सेवेंटी फ़ोर क्योंकि आपके जो इमल्शन हमारे पास आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल है उस पर यह मैंशन नहीं होता कि ऑयल कितना है या वाटर कितना है इसके अंदर ठीक है ये तो बनाने के ऊपर है ये रिसर्च के अंदर है कि जी यहाँ ले लेते हैं और हम डालते जा रहे हैं हमने ऑयल वाटर इमल्शन प्रिपेयर किया अब क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑयल इंटरनल फेस था अब मैं साथ में ऑयल ऐड करता जाऊँगा और मिक्स करता जाऊँगा जैसे मुझे फील होगा कि अब ऑयल मिक्स नहीं हो रहा साथ ही मैं उसमें मल्सिफाइड डाल दूंगा तो अब ऑयल मिक्स होना शुरू हो गया फिर ऑयल डालूंगा अब क्वांटिटी ऑफ ऑयल बढ़ती जा रही है इमल्शन ऑयल इन वाटर लेकिन ऑयल बढ़ता जा रहा है एक टाइम आएगा कि जी वो इमल्सिफायर भी और डाले जा रहे हैं हम ऑयल भी डाले जा रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो रहा तो वो क्वांटिटी जहाँ पे इमल्सिफायर ऐड करने से ऑयल मिक्स होता जाएगा वो हमारी फाइनल क्वानिटी होगी जी मैक्सिमम क्वान्टिटी गई वो सेवेंटी तक देखी गई है <laughs> ठीक है जी <laughs> तो कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फाइव पैरामीटर्स हैं हमारे पास पहला है तो इंक्रीज द दिसकवासिटी ऑफ द इमल्शन मीन्स कॉन्टिन्यूस फेज की कंस्ट्रक्शन बढ़ाना दूसरा है इंक्रीज फ्रैक्शन वॉलीम ऑफ द इंटरनल फेज ठीक है तीसरा है डिक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ़ द इंटरनल फेज चौथा है एडिशन ऑफ इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ इमल्सिफिक एजेंट और पांचवा है एडिशन ऑफ हाइड्रोफोबिक एमल्सिफायर टू द ऑयल फेज ऑफ द इमल्शन तो अगर आपने लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक एमल्सिफायर ऐड किया है तो साथ में आप लिपोफिलिक मल्सिफायर भी ऐड करेंगे वो भी अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी ऑफ़ द इमल्शन को बढ़ाएगा ठीक है जी फिर हमारे पास बार यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं ठीक है जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ इमर्जन का वो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन है तो यू हैव फाइव मिनट्स यू कैन आस्क मी जी क्वेश्चन आज से सेशन जो है वो हमारा ओपन हो चुका है तो आप उसमें में से क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं आज जनरली जो है स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है आज फिफ्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी एट तक मैक्सिमम गए हैं हम लोग जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कर ले लाइव सेशन के दौरान अदरवाइज़ फिर यह है कि आपके पास व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप किसी वक्त भी उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं और मॉडरेटर्स और लास्ट टाइम मुझे भी याद नहीं है किसने किया था इसको बेटा कन्वर्ट करके वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दें वैसे मैं इसको पोस्ट भी कर दूँगा ठीक है जी चलें आई एम अबाउट टू साइन ऑफ़ अच्छा एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है आ, हमारे यहाँ कोरोना जो है उसकी तेज़ी जो है उसमें इजाफा गया स्प्रेड जो है वो बढ़ता जा रहा है और अगले आप समझें कि एक हफ़्ता बहुत क्रिटिकल है क्रूशल है तो इसको काइंडली आप सीरियस लें और बाहर ना निकलें जब भी बाहर से आएँ आगे पहला काम ये करें कि आप आ, सोप लें और अपने हाथ और वो एरिया जो इन कॉन्टेक्ट आए हैं बायर उनको सबसे पहले आप वॉश करें और फिर उसको जो है किसी और के साथ जाके आप अपनी जो भी काम करना घर के अंदर वो करें और कोशिश करें घर के अंदर बैठे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है हाँ जी क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं जी आ, सर जीटा पोटेंशियल इमल्शन में होता है बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जीटा पोटेंशियल हमेशा वहाँ पे होगा जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे ठीक है तो इमल्शन के अंदर अगर चार पार्टिकल्स होंगे तो डेफिनेटली जीटा पोटेंशियल होगा लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑल गोब्यूज़ पहले ही सराउंड हो जाता है बाय द मल्सीफा और मल्सीफाइड सब न्यूट्रल होता है इसलिए हम इसमें स्टडी नहीं करते सर सेवेंटी फोर परसेंट तक अगर ऑयल ऐड करना ही है तो हम वाटर इन ऑयल प्रिफेयर क्यों नहीं करेंगे अगर आप इतना ऐड करोगे तो ऑबियसली आप वाटर इन ऑयल की जगह हाँ, बनाओगे लेकिन वाटर इन ऑयल को आप पी नहीं सकते औरल नहीं ले सकते उसका हम जो है टॉपिकल फॉर्मूलेशन बना सकते हैं औरल नहीं बना सकते तो अगर टॉपिकल है तो उसमें चले जाओगे अगर टॉपिकल नहीं है औरल ही बनाना है तो फिर डेफ़िनेटली हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे हमारा अक्सर इंटरनल फेज आपको सेवेंटी फोर परसेंट यूज़ करने के बजाय हम उसे एक्सटर्नल फेज के तौर पर भी बेटा मरीम ने भी यही क्वेश्चन किया है लेकिन ऑयल वाली चीज़ को हम पी नहीं सकते हम उसको औरली नहीं ले सकते सो इसलिए अगर वो तो है इन दी फॉर्म ऑफ टॉपिकल फार्मोलेशन है तो आप कर सकते हैं उसको चेंज औरल के फॉर्म में नहीं कर सकते रुखसार कहती है जी सस्पेंशन में होते हैं चार्जेस बेटा मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन में होते हैं चार्जेस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का अगर आपको याद हो तो रेफरेंस बुक बेटा ये मैंने आपको नोट भेज दिए ये सारा रेमिटन सही है हरियम अभी तक जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ रेमेंटन सही पढ़ा रहा हूँ सर यू कैन यू कैन सर्च रेमिंगटन फॉर दिस अच्छा रुखसार कह रही है आंसर दिया अच्छा उसका गलती होगी मेरे से बेटा थैंक यू आपके जवाब देने का ठीक है जी कोई और क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप है पे ठीक है बेटा और वो मॉडरेटर्स काइंडली आप इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा मैं यहाँ से शेयर कर दूँगा तो आप इसको कन्वर्ट करके तो वो लास्ट में किसी स्टूडेंट ने किया था मुझे एक्सैक्टी नाम याद नहीं है उसका मैं बल्कि मुझे नाम याद नहीं है नाम जैसे ही याद आता है या जिसने भी है अगर वो लाइव है तो काइंडली वो इसको, इसको ट्रांसफ़र करके तो कन्वर्ट करके तो इसको ऐड करते ठीक है जी थैंक यू वेरी मच स्टे सेफ़ स्टे इन होम अल्लाह हाफिज़